बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। और रमज़ान की आमद आमद है, सब घरों में रमज़ान की तैयारियाँ शुरू हो चुकी होंगी। समोसे, दही बड़े और रोल्स, ये सब चीज़ें बना बना के रखे जा रहे होंगे। तो इसी रमज़ान से रिलेटेड मैं आपके लिए आज एक रेसिपी लेके आई हूँ, पकौड़े की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैंने आज पकौड़ों का प्लेटर बनाया है। इसमें आप पकौड़ों, प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े और बैंगन के पकौड़े मैंने बनाए हैं। आप सेम रेसिपी से पालक और अगर आप चाहें तो गोभी के पकौड़े भी बना सकते हैं। ये मैंने आधा किलो के करीब बेसन लिया है। इसमें नमक डालना है, क्रश रेड चिली, कूटी हुई लाल मिर्ची, हल्दी, क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर, साबित जीरा, बेकिंग पाउडर, आप ऑरेंज फूड कलर चाहें तो डाल सकते हैं। और इसमें बहुत से लोग साबित धनिया भी डालते हैं, लेकिन मुझे धनिया नहीं पसंद तो इसलिए मैं धनिया नहीं डालती हूँ। आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। इसको फिर आपने मिक्स करना है। एक्चुअली में जब मैं ये इसकी वीडियो बना रही थी तो मेरा कैमरा बंद हो गया और मुझे पता नहीं चला, इसलिए मैं आपको वर्बली बता दे रही हूँ कि ये सब डाल के इसमें बेसन में आपने पानी से इसको मिक्स करना है और एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। उसके बाद मैं ये सबसे पहले इसमें ये बैंगन और आलू डिप करके फ्राई कर रही हूँ और ये बैंगन और आलू के पकौड़े बन रहे हैं। आप ये बेसन के मिक्सचर में चाट मसाला भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें, उससे उसमें पकौड़ों का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। ये जिस तरह से हम बैंगन और आलू के पकौड़े फ्राई कर रहे हैं, आप बिल्कुल इसी तरह से इसमें पालक के पकौड़े भी फ्राई कर सकते हैं। आप पालक के पूरे पूरे पत्ते लें और उसको इसी तरह से इसमें बेसन में डिप करके फ्राई कर लें। मैंने एक्चुअली, आप साइड में देख रहे होंगे, बहुत सारी पालक काट के रख ली है, तो मैं पालक को प्याज के पकौड़ों के साथ मिक्स करके बनाती हूँ तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जब दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। आप जब भी पकौड़े बनाएं तो ये बैंगन और आलू को काट के अगर पहले से आपने रख लिया है तो आप इसको पानी में डिप करके रखें तो ये काले नहीं होते हैं। अदरवाइज बैंगन और आलू फौरन काले होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आप पानी में डाल के रखेंगे तो ये काले नहीं होंगे। अब ये जब तक आलू के पकौड़े फ्राई होते हैं, आलू और बैंगन के पकौड़े, हम जो बेसन बचा हुआ है उसमें ये प्याज के पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। देखिए, मैंने इसके लिए बहुत सारी पालक काट के रखी है, प्याज काट के रखी है और हरा धनिया काट के रखा है। आप इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद, तो मैं इसमें हरी मिर्ची नहीं डाली है। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। और इस मिक्सचर को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये हर चीज़ जो है बिल्कुल इसमें इवनली मिक्स हो जाए और जब आप इसमें पकौड़े बनाएं तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो, अलग अलग ना रहे। अब देखिए, मैंने इसमें थोड़े से ना ये आलू भी काट के रखे हैं, फ्रेंच फ्राई स्टाइल के बिल्कुल बारीक बारीक काट के रखे हैं ये पकौड़े। आप प्याज के पकौड़ों में आलू भी अगर आप डाल दें तो इसमें अच्छी सी एक क्रिस्पीनेस आ जाती है और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये डाल देती हूँ। तो सब ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे और आप इसको जब फ्राई करने के लिए डालें तो इस तरह से डालें कि ये फैले नहीं और आपका बेसन पतला नहीं होना चाहिए। अगर आपका बेसन पतला होगा तो ये आलू, सॉरी, प्याज और पालक सब बिखर जाएंगे और आपके पकौड़े फिर अच्छे नहीं बनेंगे। चलें, अब ये ऑलमोस्ट पकौड़े तैयार हो गए हैं। ज़रा ये मेरी इस रेसिपी में मेरे कैमरे का एंगल सही नहीं रहा क्योंकि शायद कैमरा हिल गया और मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से मैं आपको वो
स्लैब में जो चीज़ें रखी हुई मैं काम करती रही वो आपको इतना क्लियरली नज़र नहीं आया, तो चले वो रेसिपी बन गई। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, रमजान इतने करीब थे कि मैं इसको दोबारा जो है इस रेसिपी को दोबारा इतनी जल्दी बना सकती, तो मैंने इसी वीडियो को ही एडिट करके अब जो है तैयार कर ली। चलिए जी, अब देखें ये सारे पकौड़े तैयार हो गए, पकौड़े प्लेटर तैयार है खाने के लिए। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सिंपल रेसिपी है, रमज़ान है, रमज़ान में तो तकरीबन हर घर में डेली पकौड़े बनते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड फॉर फ्यूचर रेसिपीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकॉन। थैंक यू, बाय।